जय हिंद दोस्तों, अनिल सराठी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल हजारों आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, जिन्हें रेलवे के ग्रुप डी में 20% का कोटा मिल जाता है। जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उन्हें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के नाम से जाना जाता है। सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट से इच्छुक रहते हैं कि उनको एक जानकारी मिल पाए कि इस साल या पिछले कुछ सालों में या टोटल अभी तक कितने रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हुए हैं, जिससे उनको एक अंदाजा हो जाता है कि जो आने वाले ग्रुप डी की भर्ती है उसमें कितने कैंडिडेट्स के साथ उनका फाइट होने वाला है, एक अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट मुझे नहीं मिला पिछले कुछ सालों में। कई सालों से ट्राई कर रहे हैं जानकारी हासिल करने के लिए, चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हो, या खुद रेलवे मंत्रालय हो, या कोई भी जोन हो, या श्रम मंत्रालय जो अप्रेंटिसशिप कराती है, वो भी एक सही डाटा नहीं दे पाई कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप हर साल या पिछले इतने सालों में कितने कैंडिडेट्स ने अप्रेंटिसशिप करा है। लेकिन एक आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास आता है, हमने सोचा इस पर वीडियो बनाकर जानकारी दिया जाए, क्योंकि मेरे पास काफी सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप जुड़े हुए हैं। कोई भी जानकारी आता है यूट्यूब पर या उनके पास तो मेरे पास भेजते हैं, और कुछ वीडियो बन जाता है गलत वीडियो तो मेरे पास आ जाता है कि सर वीडियो बनाए बताइए कि सही जानकारी क्या है। तो ये कैंडिडेट्स ने आरटीआई किया था और आरटीआई में रिप्लाई आता है, और आरटीआई किसे किया था, तो एमएसडीई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो श्रम मंत्रालय है, उसको आरटीआई करके जानकारी मांगा था कि रेलवे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में 2018 से 31 मार्च तक कितने अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। ठीक है, तो उनका जवाब आया है कि देखिए मेंशन कैटेगरी में 42,643 कैंडिडेट्स ही अभी तक 2018 से 31 मार्च तक अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। एक मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इतने कैंडिडेट्स नहीं है, इससे काफी ज्यादा ही है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, उस समय वीडियो बनाए थे, हम हमेशा नहीं बनाते, पुरानी वीडियो जो है थी उसको हम बनाए थे, उसमें बताए थे 1,80,000 कैंडिडेट उस समय तक अप्रेंटिसशिप किए हुए थे पिछले, वो भी सिर्फ एक रिपोर्ट आया था, पीआईबी का रिपोर्ट था उसी के अनुसार। तो सोचिए कि 2018 से अधिक, ऐसे भी अंदाजा आप लगाइए कि हर साल मिनिमम भी हम देखें तो कम से कम 35 से 40 हजार हर साल रेलवे से अप्रेंटिसशिप आता है। 40 हजार तो ज्यादा और बोल देते, तो 30 से 40 के बीच में, हम एक्चुअली अच्छे से काउंट नहीं किए हैं, लेकिन तब पर भी 30 से 40 के बीच और आप काउंट करिएगा, नहीं भी तो 25 से 35 मान लीजिए, इतना तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी कोई ऐसा जोन होता है जो दो दो बार भी आ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए 25 से 30 मान लीजिए, 35 25 से 30 ही मानते हैं, तो कुछ कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तब पर भी आपको 20 हजार तो कैंडिडेट ज्वाइन करते ही होंगे। तो हर साल 20 हजार भी आ रहा, तो सोच सकते हैं कि पिछले 6 सालों में कितने कैंडिडेट्स हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तो अगर सही जानकारी अगर पूछिए तो कोई नहीं बता पा रहा है, जबकि एमएसडीई है। हम कई बार रेलवे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आरटीआई किए, कई सारे हम जोन को भी किए, तो जोन अगर जोन को हम आरटीआई करते हैं तो जानिएगा वो बताते हैं कि 200 300 ही अभी तक अप्रेंटिसशिप किए, जबकि वहां पर उस जोन में हर साल हजारों अप्रेंटिसशिप निकलता है। ऐसा संभव है? नहीं संभव। तो गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, गलत जो जो डाटा है सही डाटा आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें अभी तक 1,80,000 2022 तक था, तो 2023 और 2024 में देखें तो कम से कम 2 लाख पार कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर चुके होंगे। ठीक है, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में, 2.5 लाख ज्यादा हो जाता है, लेकिन 2 लाख से 2,20,000 के बीच तक आपके आसपास इतने रेलवे अप्रेंटिसशिप होंगे। पुराने भी हो सकते हैं और उनका एज अभी बचा होगा, तो समझ लीजिए 3 लाख तक आपके अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट आपके साथ फाइट करने की संभावना है। दोस्तों अगर ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स आपके साथ आने वाली भर्ती में फाइट करेंगे, तो ये मानकर चलिए 3 लाख रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स होंगे। अब ये पता लगाना है कि कितने भर्तियां आ रही हैं, उसके अनुसार आपका जो है क्या है कि आपको मतलब कितने वैकेंसी आपके लिए रिजर्व होगी, क्योंकि 20% ही है। इसको बढ़ाने के लिए मान लीजिए जरा सोचिए, अगर 42,000 ही टोटल है, तो क्या 42,000 को ये वन टाइम सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं? मात्र 42,000 ही है, एक बार कर दे फिर हर साल आपको जो है
जितने बच्चे इनको अनुसार लग रहे हैं तो उसको भर्ती कराते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर साल जो है 20 से 25 हजार कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं पिछले सालों में, आप काउंट कर सकते हैं 20 से 25 एवरेज ले लीजिए, ठीक है, कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन 20 तक अब आप लेके चलिएगा तो कई हजार लाखों हो जाएंगे, ठीक है। तो लाखों कैंडिडेट्स अभी आपके साथ जो है रेलवे ग्रुप डी के भर्ती के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, अभी तैयारी में लगे रहे, तैयारी करते रहिए। ये सब डाटा, गलत डाटा के चक्कर मत पड़िए, जानते हैं गलत डाटा से क्या होता है कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपसे मात्र 42 हजार ही तो लोग हैं, हम तो निकाल ही लेंगे, ये इस उम्मीद में मत रहिए, आपका कट ऑफ आ ही जाएगा, पहले जैसा मत रहिए, अपना तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, कोई स्टडी के लिए मेटेरियल चाहिए होगा तो हमारे अनिल सर आईटी ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर काफ़ी सारे मेटेरियल्स मिल जाएंगे। एलपी के लिए हम काफ़ी सारे मेटेरियल्स दे रहे हैं, हम टेक्नीशियन का डेली आपको लाइव जो है आपको अपडेट दे रहे हैं, डेली टेस्ट मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, जाकर के ज्वाइन करके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन यकीन रखिए आपके साथ जितने भी भर्तियां हैं, पता नहीं कितनी आएगी, लेकिन 2 से 3 लाख के बीच में रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट आपके साथ जरूर फाइट करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम हर इस तरह की अपडेट पर हम ज्यादा वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास भी आता है, लेकिन हम उसमें सही इंफॉर्मेशन नहीं रहता, इसलिए आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। सही इंफॉर्मेशन कहीं मिल जाए तब आपको हम वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे।